दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने जो ये प्लांट है जेड का इस पॉट में लगाया था। चलिए मैं सबसे पहले आपको इसका एक छोटा सा रीकैप दिखा देता हूं कि कैसे हमने इसको लगाया था। और जो सामने आपको ये छोटे प्लांट दिख रहे हैं, ये इसी की जो कटिंग थी वो यहाँ पे हमने लगा दी थी। और देखिए, जितनी भी कटिंग हमने लगाई थी सभी अच्छे से ग्रो कर रही है, यानी इसको हमने प्रून किया और जो प्रून किया था वो कटिंग हमने यहाँ पे लगाई थी और वो सभी अच्छे से ग्रो कर गई है। तो चलिए, इसका जो पहले एक रीकैप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आज हम फिर दोबारा से इसकी जो प्रूनिंग है वो करेंगे। दोस्तों, तो आपने रीकैप देखा कि कैसे हमने इसको इस प्लांट को यहाँ पे लगाया था और कैसे इसकी जो कटिंग है वो यहाँ पे लगा दी थी। ये कुछ कटिंग जो तिरछी हो गई है, इसका कारण ये है कि जब वाटरिंग की थी तो उसकी वजह से थोड़ी सी ये तिरछी हो गई, लेकिन सभी में जो रूट्स है वो आ गई है और जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए, इसकी जो प्रूनिंग है वो हम करते हैं और इसको हम एक ट्री का शेप देंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस ट्री का जो फ्रंट है मैं इस साइड से रखूंगा, ये इसका फ्रंट रखूंगा। तो इस फ्रंट को जो छुपाने वाली जो ब्रांच है उनको हम रिमूव कर देंगे। तो ये जो ब्रांच है इसको हम रिमूव कर देते हैं, मैं इसको यहां से कट कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों, ये जो सामने मेन ट्रंक पे अगर कोई ब्रांच हो तो उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए ताकि ये ट्रंक को ना छुपाए। इससे जो ट्री का जो ट्रंक है वो साफ दिखेगा। ये देखिए, अब जो ट्री का जो ये ट्रंक है मेन वो दिखने लगा है। उसके बाद दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, जो लोअर ब्रांच होती है यानी कि जैसे ये ब्रांच है इसकी मेन, इससे अगर नीचे की तरफ कोई ग्रो करती है तो उसको हमें रिमूव करना होता है। जैसे कि ये ब्रांच देखिए, ये नीचे की तरफ ग्रो कर रही है तो इसको हमें यहाँ से रिमूव करना होगा इस तरह से। उसके बाद जो ये ब्रांच है ये भी नीचे की साइड ग्रो कर रही है तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह का जो शेप है ट्री का वो अब आने लगा है। अब हमें क्या करना होगा, जो इसकी बैक साइड ब्रांच है ये वाली, ये भी नीचे की साइड ग्रो कर रही है और नीचे की साइड जो हमने कटिंग लगाई थी वो बड़ी होने के कारण ये जो ट्री है ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो हमें पीछे की साइड इसकी बैक साइड से और जो ट्री को सही करना होगा। तो चलिए, इसकी बैक साइड चलते हैं। देखिए, ये इसका बैक साइड है और बैक साइड में भी ये जो इसकी ब्रांच है इसको हमें ट्रिम करना होगा। तो पहले मैं इसको बिल्कुल नजदीक से नहीं काटूंगा, सिर्फ मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और फिर देखते हैं ट्री का लुक क्या आता है। ये जो इसकी ब्रांच है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, आई थिंक थोड़ा सा और ऊपर से कट करना चाहिए। इसके बाद जो ये प्लांट है इसको हम यहीं पे ग्रो होने देंगे। इसमें कुछ वीड्स जो ग्रो हो गई है इनको हम रिमूव कर देते हैं। अब इसके फ्रंट साइड से देखते हैं। ओके दोस्तों, अभी जो ट्री का जो शेप है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ हमें प्रूनिंग करनी होगी। यहां से कट किया था, चलिए मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाता हूं। ये देखिए, इसको यहां से कट किया तो यहां से दो ब्रांचें निकल आई। अब हमने इसको यहाँ से कट, जब ये थोड़ी ग्रो हो जाएगी इसको यहाँ से कट करेंगे तो दो हो जाएगी। इस तरह से जो ट्री की जो कैनोपी है ये इस तरह से हम बनाएंगे। और दोस्तों, फिलहाल हम इसको इतना ही जो आज है कट करेंगे, इसकी प्रूनिंग इतनी करेंगे और इसको मैं दोबारा से ग्रो होने दूंगा जब तक तो इसका जो कैनोपी है वो अच्छे से नहीं बन जाता और जो थिकनेस है प्लांट की वो अच्छे से ना बन जाए। जो ये छोटे प्लांट है इनको भी हम ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि कुछ प्लांट जो है एक दूसरे के सामने आ गए जिससे कि जो
सभी प्लांट है वो दिखेंगे नहीं। एक्चुअली दोस्तों मैं इसको अफ्रीकन स्टाइल जो बोनसाई है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह से इसकी हम कैनोपी रखेंगे। दोस्तों जेड के अंदर आप वाटरिंग कम करें, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं मेरा जो सोइल है ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। देखिए ये देखिए बिल्कुल ड्राई सोइल में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, और इसको मैंने फुल सनलाइट में रखा हुआ है। मैंने एक चीज देखी है, जो मैंने सेमी शेड के अंदर जो प्लांट रखे थे उनके बजाय जो ये प्लांट है इसने बहुत अच्छे से ग्रो की, और जो कटिंग्स है इसने भी देखिए कितनी जल्दी ग्रोथ की है। मैंने नर्सरी से दो प्लांट लेके आया था, उनसे देखिए काफी प्लांट्स मैंने बना लिए हैं, और जो अब हमने प्रूनिंग की है वो कटिंग्स भी मैं सभी लगा दूंगा और उनको भी मैं ग्रो कर लूंगा। तो इस तरह से मेरे पास काफी जो प्लांट्स है वो बन जाएंगे। इस प्लांट पे दोस्तों मैं वायरिंग नहीं यूज करूंगा, मैं इसमें सिर्फ क्लिप एंड ग्रो वाला जो मेथड है वो यूज करूंगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।